Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Land Surveying Studio. ये अपना एक YouTube का चैनल है जिसपे हम सिविल 3D AutoCAD रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। आज इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग ग्रिड वाइज क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यानी एवरी ग्रिड का कितना काटिंग और कितना फिलिंग आ रहा है क्वांटिटी के हिसाब से हम कैसे उसको सिविल 3D में निकलेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर हम लोग ग्रिड वाइज कटिंग फिलिंग निकाल लेते हैं कैसे कौन सा ग्रिड में कितना कटिंग आ रहा है और कितना फिलिंग आ रहा है और उसका फिनिश लेवल क्या है और उसका ग्राउंड लेवल क्या है। उसके वीडियो मैं पहले ही अपलोड किया था मेरा ग्रुप पे, मेरा चैनल पे, तो उस पर आप विजिट कर सकते हो वाला वीडियो। अभी उसी का मैं एक सेकंड पार्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसपे एक रिक्वेस्टेड वीडियो था कैसे हम लोग एवरी ग्रिड में ग्रिड का कैसे क्वांटिटी निकलते हैं, ग्रिड क्वांटिटी कैसे निकलते हैं हम लोग, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रिड को एक आईडी दे देंगे, जैसा ग्रिड वन, ग्रिड टू, ग्रिड थ्री, ऐसा करके एवरी ग्रिड का एक आईडी रहेगा, जिस आईडी का कितना कितना उस आईडी का कितना क्वांटिटी आ रहा है उसका एक रिपोर्ट हम लोग सिविल 3D में जनरेट करेंगे, जैसे आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर दिया, मैं पहले से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं होम टैब में जाएंगे, यहाँ से मैं कुछ फाइल मेरा रिकॉर्ड होगा, वो फाइल क्या है, मैं साइड से जो टोपो करके लेके आया था, यानी उस ग्राउंड का पॉइंट आईडी रहेगा ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, यानी हम लोग एक प्लॉट का सर्वे किया जिसका ग्राउंड लेवल हम लोग टोपो किया, उस टोपो डेटा को हम लोग सेवस करके कॉमा डेलिमिटेड फॉर्मेट पे इसको सेवस करके रखा हूँ, जिसको हम सबसे पहले अपना ड्राइंग पे इंपोर्ट करेंगे। सिविल 3D में कैसे पॉइंट को इंपोर्ट करते हैं वो भी हम इसी में देख लेंगे। और उसके बाद मेरे पास और एक डेटा है ग्राउंड लेवल का रिकॉर्ड करने के कुछ दिन बाद, उसका फिनिश लेवल भी हम लोग यहाँ से मिला होगा, डिज़ाइन से फिनिश लेवल भी मिल सकता है और उसका प्रोग्रेस लेवल यानी PGL भी हो सकता है। आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से डेटा को रेडी कर सकते हो। यहाँ पे फिनिश टेबल बोल के मैं यहाँ पे डाला हूँ उसी प्लॉट का, सेम प्लॉट का, और ऐसा एक मैं कार्ट फिल रिपोर्ट जनरेट करेंगे अपना ग्रिड वाइज। ये देख सकते हैं आप ऐसे रिपोर्ट कैसे हम लोग जनरेट करेंगे सिविल 3D में वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले वाला जो मैं वीडियो बनाया था उस पर हम सिर्फ ग्रिड का टोटल ग्रिड का क्वान्टिटी निकाला था और उसका एक एक ग्रिड का कटिंग फिलिंग निकला था, लेकिन उसका ग्रिड वाइज क्वांटिटी उसमें नहीं निकला था। लेकिन इस वीडियो में हम 35 नंबर में एक छोटा सा ग्रिड लिया हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। और उसका जो आप पार्ट वन का वीडियो आप देखेंगे तभी आपको ये वीडियो बनाने के लिए बहुत आसान होगा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसमें जो मैं लेवल, ये जो लेवल इसमें शो हो रहा है ये लेवल बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सिविल 3D के डिफ़ॉल्ट में ये लेवल होता नहीं है। जनरली स्टेप ग्रिड का लेवल ऑलरेडी सिंगल लेवल देता है और इसमें हम तीन लेवल्स हो गया, इसमें एक तो हो गया डिज़ाइन लेवल और ग्राउंड लेवल और डिफरेंट, वो कैसे होगा उसके लिए ये वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इसके छोड़ के भी मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोगों से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये वीडियो का थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगा और ये वीडियो बहुत सारा सर्वेयर के पास पहुंच जाएगा, तो उसके लिए ये थोड़ा सा काम में आ सकता है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो इससे सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ओपन किया यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे जैसे जनरली हम लोग जो इंपोर्ट करते सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए मैं बहुत सारा वीडियो पहले बनाया जिसमें सारे में मैं पहले से ही इंपोर्ट से शुरू करता हूँ मैं वीडियो, तो इसमें और इंपोर्ट के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं मेरा ग्राउंड लेवल को यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ सिविल 3D में। सबसे पहले मैं अपना जो GL था उसको मैं सिविल 3D में इंपोर्ट किया पॉइंट को, और उसके बाद मैं एक ही ग्रुप पे लेकर आया था और सेम मैं इसी टाइम इसका एक सरफेस बना लेंगे, ग्राउंड सरफेस, जिसका नाम दे देंगे ग्राउंड क्लास सरफेस, यानी ओनली GL नाम का एक सरफेस यहाँ पे मैं क्रिएट किया।
उसके बाद यहाँ पे जो हम सरफेस बनाए थे उसके अंदर मैं सरफेस को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं जो करेंगे उसके बाद हम इसको एक बार इसको रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे मैं जो फाइल को डिलीट किया उसी फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो लेवल स्टाइल है उसी सेम फाइल में होना चाहिए, तो नहीं तो लेवल स्टाइल उसमें हट जाएगा, क्योंकि एक बार लेवल स्टाइल में बना लिया था फिर आगे और नहीं बनाएंगे। फिर मैं इसके बाद मैं आपका सेकेंड जो सरफेस के लिए मैं पॉइंट को इम्पोर्ट करता हूँ, ये आप PGL हो सकता है, फिनिश लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं फिनिश लेवल नाम के एक पॉइंट यहाँ पे इंपोर्ट किया, सेम पॉइंट के ऊपर ही इंपोर्ट कर दिया। तो उसके सेम फिनिश लेवल के लिए भी मैं एक सरफेस बनाएंगे, फिनिश सरफेस FL फिनिश लेवल। तो अभी दो दो सरफेस जब बन जाएगा उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब यानी टोटल फुल वॉल्यूम निकालेंगे। ये अपने पास देखिए, इसका राइट क्लिक करेंगे, सरफेस को मैं बंद करके रखा हूँ, मेजर सरफेस को, यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, सॉरी राइट क्लिक एडिट लेवल स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे सरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट काम रहेगा यहाँ का एनालाइज में जाना है, एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम बोलके आएगा, आइकॉन आएगा थर्ड नंबर में, उसको क्लिक करना है और इस पर नेम दे देंगे, इस पर तीन नंबर में आएगा न्यू वॉल्यूम सरफेस बोल के, उस पर क्लिक करेंगे और सरफेस का जो वॉल्यूम सरफेस का नाम ओनली वॉल्यूम दे देंगे VOL शॉर्ट में, और बेस सरफेस मेरा रहेगा ग्राउंड GL, यानी ग्राउंड लेवल जो रखा था मैं बेस सरफेस रखेंगे, और कॉम्पिटिशन में मैं रखेंगे फिनिश सरफेस या FL। तो इसको दोनों को होने के बाद यहाँ पे टोटल कट फील कितना होगा इसमें आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन में मेरा कटिंग भी है और कुछ कुछ पोर्शन में फिलिंग है, उसको फिलिंग और कटिंग को एडजस्ट करते हुए लास्ट में एडजस्टेबल एक क्वांटिटी दे दिया, नीट क्वांटिटी जो है और कटिंग माइनस फिलिंग करके दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो अपना ग्राउंड लेवल और अपना फिनिश लेवल का जो पॉइंट स्टाइल और पॉइंट डिस्क्रिप्शन वगैरह है उसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, नहीं तो मेरा ग्रिड बनाने के टाइम थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको दोनों को नन कर देंगे, ओके। नन होने के बाद यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा फाइल मेरा क्लियर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे, अपने पास एक जो लिप्स था पहले भी मैं यूज़ किया हूँ ये फाइल को, लिप्स फाइल को, इसका भी लिंक मैं इस वीडियो में भी दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ये वाला जो लिप्स होगा इसका कमेंट आएगा GG डबल G करके एंटर करेंगे, तो उसका लेफ्ट कॉर्नर बोल रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर, लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर और यहाँ पे स्पेसिंग, ऐसा करने के बाद एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मैं इसको फिर से डिलीट करेंगे फिर से बनाएंगे, आपको दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पे एग्जैक्ट मैं अपना जहाँ पे वर्किंग एरिया है वहाँ पे मैं ग्रिड ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मेरा टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। इसके लिए मुझे क्या करना है, अपना जहाँ तक वर्किंग एरिया होगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब 10 मीटर में एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 मीटर एक्स्ट्रा लेने के बाद ही मैं यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करेंगे, यहाँ से ओ स्नैप OS एंटर करेंगे, OS कमांड देंगे और ओ स्नैप को यहाँ से 10 मीटर कर देंगे, स्पेसिंग को 10 मीटर कर देंगे, एक्स और वाई को दोनों को 10 मीटर कर देंगे, यानी जहाँ कहीं भी हम क्लिक करेंगे वो 10 मीटर का मल्टीपल में जगह में वो क्लिक होगा। फिर रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल कैसे लेंगे, ये सबसे पहले जहाँ पे मेरा वर्किंग रहेगा वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ से 10 मीटर ऊपर जाएंगे और 10 मीटर लेफ्ट साइड जाएंगे, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल, फिर लेफ्ट पर आएंगे 10 मीटर डाउन और 10 मीटर राइट साइड, ऐसे करके मैं 10 मीटर का एक ग्रिड बना लेंगे जो 10 मीटर के मल्टीपल में रहेगा। उसमें क्या होता है 10 मीटर का मल्टीपल में रहेगा तो हम जब ग्रिड बनाएंगे तो उसमें कुछ डेसिमल पे रही नहीं आएगा, सारे पे क्या होगा 10 का मल्टीपल में मेरा ग्रिड लाइन भी शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम हम ग्रिड को GG कमेंट देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, जिस टाइम GG कमेंट देंगे जो उसमें सारे को स्नैप को और ओ स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप दोनों को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो जो GG कमेंट का लिए जैसे जैसे रिकॉर्ड डेटा होगा हम 10 मीटर इंटरवल दिया हूँ और टेक्स्ट साइज को 0.75 देके ड्रॉ कर दिया, अपना यहाँ पे ग्रिड लाइन इसमें शो हो गया। अभी क्या करेंगे एक बार देख लेता हूँ, ये देखिए ये अपना वर्किंग एरिया है जहाँ पे हमको क्वांटिटी निकलना है, कितना कटिंग और कितना फिलिंग आ रहा है ग्रिड वाइज क्वांटिटी इसमें हमको कैलकुलेशन करना है,
और इसके बाद इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, 0.00 को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिफाइन एंड रिप्लेस की जगह उसको पेस्ट कर देंगे और रिप्लेस की जगह एम्प्टी रख देंगे, तो जो 0.00 था वो हट जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ड्राइंग थोड़ा सा क्लियर रहेगा क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, सब 10 का मल्टीपल में ही है, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया ड्राइंग को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं किया। उसके बाद एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सिमिलर करेंगे, सिलेक्ट सिमिलर करने के बाद सी ओ कमेंट देंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो ग्रिड लाइन होगा थोड़ा बाहर रखेंगे। ये क्यों बाहर रखा मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, उससे पहले मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन, यहाँ पर ग्रिड का जो लेवल है वो लेवल यहाँ पर मैं दे देता हूँ। उसके लिए एक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस को सिलेक्ट करते हुए होम को जहाँ लिखा होगा उसके नीचे मिलेगा स्पोर्ट लेवल ग्रिड, स्पोर्ट ग्रिड लेवल यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद बेस पॉइंट का है, ग्रिड का बेस पॉइंट हम वहीं वाला जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है, लेफ्ट साइड कॉर्नर बेस पॉइंट होगा, और रोटेशन 0 दे देंगे। रोटेशन 0 देने का स्पेसिंग में 10 मीटर रखेंगे, 10 करके इंटर करेंगे, वाई भी 10 रखेंगे, 10 करके इंटर करेंगे। इंटर करने राइट अपर साइड का वहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए राइट अपर साइड में वह सिलेक्ट करेंगे और नो करेंगे इसको, मतलब और पोजिशन चेंज नहीं करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये एफएल मांग रहा है। एफएल क्यों मांग रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही कंपोज करके रखा था, नहीं तो आपको यहाँ पे एफएल नहीं होता। जैसे फिनिश लेवल मैं कंपोज किया था, तो फिनिश लेवल के लिए मैं डिस्प्ले में राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले में माउस पर राइट क्लिक करने के बाद मुझे फिनिश लेवल का सरफेस एफएल से ही लेना है, तो एफएल से क्लिक करेंगे। फिर जीएल बोल रहा है ग्राउंड लेवल से कहाँ से लेना है, ग्राउंड लेवल से मैं फिर अपना डिस्प्ले में राइट क्लिक करेंगे, जीएल से लेंगे, जो जीएल पे सरफेस बना है जीएल से ले लिया। फिर उसके बाद डिफरेंस कहाँ से लेंगे, जो वॉल्यूम वाला सरफेस बना है वो अपना डिफरेंस सरफेस है, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, वॉल्यूम को सिलेक्ट करें, ओके करेंगे। ये तीनों को जब हम सिलेक्ट करते जाएंगे तो तीनों मुझे यहाँ पे लेवल यहाँ पे मिल जाएगा। इसके डिटेल वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी इसको समझ में आएगा, नहीं तो आप सिर्फ क्वांटिटी इसके निकालने हैं तो ये कम नहीं करना, ओनली क्वांटिटी के लिए होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ क्वांटिटी के लिए मैं आगे दिखाता हूँ कैसे होगा। ये एडिशनल मैं यहाँ पे दिखा दिया और इसका डिटेल वीडियो मैं पिछले बार बनाया, आप मेरा चैनल को विजिट कर सकते हो, पिछले बार वीडियो उस पर लिंक मैं दे देते होंगे। तो उसको यहाँ पे वेट, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कंपोज किया था अकीब बोल के, जो है ये मेरा कंपोज करके रखा हुआ है लेवल स्टाइल, जिसके कारण मैं यहाँ पे ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। इस शायद मैं इसका फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया था, उस फाइल के अंदर आप काम करेंगे तो ये वाला लेवल आपको स्टाइल वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो था कौन सा, ये वाला ग्रिड लेवल, ग्रिड लेवल फिनिश लेवल ग्राउंड लेवल डिफरेंस शोइंग ऑन एवरी ग्रिड बोल के मेरा एक वीडियो था, जिसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप इसको देख सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो के साथ कुछ इसका संबंध नहीं था, सिर्फ अपना क्या था प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होने के लिए मैं इसको दिखा दिया, बाकी का आपका जो ग्रिड वाइज क्वांटिटी निकलने के लिए बहुत ही आसान है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। उसके लिए जो ग्रिड यहाँ पे मैं बनाया, सारे ग्रिड के अंदर क्या होता है, आपको क्लोज्ड बाउंड्री क्रिएट करना है। उसके लिए मैं एक ABM ऑटोमेटिक बाउंड्री मार्क बोल के मेरा पास सीरीज है, उसका लिप्स को भी लिंक में दे देंगे, आप इसको लिप्स को आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, लिप्स को यहाँ पे अपलोड हो गया, इस पर कॉमेंट रहेगा ABM, ABM जब एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जितना सारा मेरा ग्रिड में कॉपी करके लेकर आया था सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ आगे होते जाएगा। जब तक ये हो रहे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा वीडियो अगर सही में आपको अच्छा लगे और कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपको फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल को आप नया भी विजिट कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको जो है यहाँ पे जो बाउंड्री इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे बीच में देखिए स्किप मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे एक बार मैं स्किप करके देखता हूँ, देखिए स्किप जैसे ही किया ना तो क्या हुआ, पीछे जितना हुआ सारे बाउंड्री इसमें हट गया। स्किप नहीं करना है, जब तक बाउंड्री क्रिएट होते रहेगा तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है, पूरा बाउंड्री जब क्रिएट नहीं होगा तब तक इसको छोड़ना नहीं है। फिर मैं एक बार रन करता हूँ अपना लिप्स का जो कमेंट था ABM, ABM को क्लिक किया और सारे को फिर से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से ये इसका रनिंग किया, कैसे कैसे बाउंड्री बना रहा है देखिए, एक को
जहाँ जहाँ क्लोज बाउंड्री उनको मिलेगा इसे वही इसको क्लोज बाउंड्री यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा ग्रिड का। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये करने का एक ही वजह है, ग्रिड का जो ग्रिड वाइज जो वॉल्यूम निकालेंगे उसके लिए हमको क्लोज बाउंड्री का ज़रूरत पड़ता है, और हर बाउंड्री को मैं वहाँ से वहाँ पे क्या है, बाउंड्री क्लोज नहीं है, हर बाउंड्री वहाँ पे ओपन है, तो इसके लिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा और जल्दी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये देखिएगा, इसमें देखिए हर ग्रिड में एक एक करके बाउंड्री इसमें क्रिएट हो गया, सभी ग्रिड में। यहाँ से मैं अनचेक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ को मैं इसको थोड़ा कलर सा चेंज करता हूँ, CH कमांड देंगे, 440 पे जाएंगे, इसका कलर थोड़ा सा येलो टाइप का कर देता हूँ, इसका ग्लोबल वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 0.3 कर देता हूँ, तो ये क्या हो थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। और इसको और एक काम करना पड़ेगा, कभी भी ये हम क्योंकि ये ग्रिड को लाइन को हमको सबसे ऊपर रखना है, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे काम क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करके लेके आएंगे, कॉपी करके लेकिन जो जहाँ ग्रिड था वहाँ पे मैं इसको बैठा दिया। बैठाने के बाद और नेक्स्ट काम क्या रहेगा मेरा, इसको ड्रॉ ऑर्डर जो रहेगा, ड्रॉ ऑर्डर इसको आप ऊपर रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वान्टिटी इसमें जो शो हो रहा है, टोटल क्वान्टिटी इसमें शो हो रहा है, टोटल जो एरिया है, एरियल में टोटल एरिया में कितना काटिंग है और कितना फिलिंग है। अभी इसका मैं बाउंडेड वाला एरिया का क्वांटिटी निकालेंगे, यानी जो नया नया बाउंड्री क्रिएट किया, यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके अपना एक ईयर को सिलेक्ट करने का सिलेक्ट सीनियर किया और राइट क्लिक किया और ड्रॉ ऑर्डर को ऊपर कर दिया, टॉप कर दिया फ्रंट, मतलब सभी में सिलेक्ट करेंगे सिर्फ ईयर को ही पहले होगा, सबसे पहले ईयर वाला जो लाइन है यानी बाउंड्री है वो बड़ा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये करना जरूरी है, नहीं तो आगे जाके वो बाउंड्री का वॉल्यूम उससे देगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, एक बार मैं टोटल बाउंड्री को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिएगा बाउंडेड एरिया बोल के, बाउंडेड वॉल्यूम बोल के इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ही ये शो होगा, नहीं तो ये शो नहीं होगा। सबसे पहले मैं एक नंबर दिया, इसका नंबरिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं एक नंबर पहले वाला लाइन को मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम सेकेंड लाइन पे जब करेंगे उस टाइम मैं इसमें नंबरिंग करेंगे। उसके लिए भी मेरे पास एक ग्रिड से जिससे हम जो ग्रिड का जो नंबर होगा वो नंबर पहले सबसे पहले कर लेंगे तो आसान होगा, नहीं तो देखिए अभी यहाँ पे जो कौन सा कर रहा हूँ कौन सा नहीं कर रहा हूँ मैं खुद से भूल जाएंगे थे। तो उस टाइम जो लास्ट में मैं 8 नंबर 7 नंबर तक कर दिया मैं, तो इसको मैं नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए मेरे पास एक ऑटो लीड से, उसका लीड्स के मदद से मैं इसको नंबरिंग कर लेंगे, ग्रिड को नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे है नंबरिंग इंक्रीमेंट टेक्स ब्लॉक, ये बोला इंक्रीमेंट टेक्स ब्लॉक बोल के है, इसका कमांड रहेगा एन ओ, इसका कमांड रहेगा एन ओ कमांड देंगे यहाँ पे, इसको अपलोड करने के बाद एन ओ एंटर करेंगे और स्केल दे देंगे यहाँ पे अपना 0-300 स्केल यहाँ पे सही से बट रहा है, आप अपने हिसाब से इसके लिए यहाँ पे दूसरे में फेफिक्स आप दे सकते हैं, आगे पीछे फेफिक्स आप इसको भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं 1 से चिमेट करेंगे तो 1 करके एंटर करेंगे। सामने के बाद यहाँ पे देखिए से इसके थोड़ा सा स्नैप को मैं यहाँ से सेंटर रखता हूँ, अगर सेंटर ले लेगा तो सही है, यहाँ पे कुछ वजह है नहीं ले रहा है छोटी, तो यहाँ पे मैं एक नंबर यहाँ रख दिया। ऐसे करते हुए सारे जितना भी ग्रिड रहेगा सारे ग्रिड का यहाँ पे आपको नंबरिंग कर लेना पड़ेगा तभी क्योंकि इसमें आसान हो जाएगा। 7 नंबर तक पहले मैं दिया था, 7 नंबर 8 नंबर ऐसे करके जितना भी ग्रिड होगा आपको यहाँ पे मैनुअली नंबरिंग इसमें करना पड़ेगा। नंबरिंग करने से क्या होगा, आपको उस टाइम जिस टाइम आप ग्रिड वाइज क्वांटिटी निकालेंगे कितना कटिंग फिटिंग आ रहा है उस टाइम बहुत ही आसान होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट लगेगा आपको ये काम करने में, तो इसको बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रिड वाइज क्वांटिटी इसमें आप निकाल सकते हो। तो उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट प्रोसेस अपना रहेगा सेम मैं पहले जो कर रहा था वही वाला काम प्रोसेस में करते जाएंगे आगे तक, क्योंकि सेम प्रोसेस में हम इसको 7 नंबर तक मैं क्वांटिटी इसे निकाल रखा हूँ, 7 के बाद अभी 8 नंबर से हमको चालू करना है। तो 8 नंबर जब करेंगे 8 को सिलेक्ट करेंगे तो सेम इसमें अपना बाउंडेड वॉल्यूम में क्लिक करेंगे और 8 नंबर वाला जो बाउंड्री है इसमें क्लिक करेंगे, 8 नंबर हो गया। फिर से एक बार बाउंडेड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे चलना है, एक बार बाउंडेड में क्लिक करना है नेक्स्ट अपना जो बाउंड्री है उस पर क्लिक करते हुए, मतलब जो भी
क्लिक करना है, मतलब जो भी बाउंड्री लेना है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उस बाउंड्री का राइट साइड वाला जो वो फेस है उसमें क्लिक करेंगे तो वो उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब स्टार्टिंग में करेंगे, स्टार्टिंग में तो किसी से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाला के लिए राइट साइड वाला सामने वाला को हम क्लिक करेंगे, इसको मतलब 9 नंबर के लिए राइट साइड वाला क्लिक किया, फिर 10 नंबर के लिए भी उसका राइट साइड वाला क्लिक करेंगे, सब राइट साइड क्लिक करते करते हो जाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जैक्ट जो अपना उस एरिया का वॉल्यूम होगा कटिंग फिलिंग वहाँ पे ऊपर में आपका डायग्राम के साथ वहाँ पे हो जा रहा है, एक चार्ट भी बन जा रहा है, जो रेड हो रहा है उसमें कटिंग आ रहा है और जो ग्रीन ऊपर में शो हो जा होते होते आ रहा है वो उस ग्रीड का उतना कटिंग है उतना फिलिंग है वहाँ पे वो शो हो रहा है। सेम प्रोसेस में सारे ग्रिड के लिए इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, आप जिस टाइम करेंगे आपको सिक्वेंसली करना है, सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग करने के बाद इसीलिए मैंने बोला था कि नंबरिंग कर लेना है, नंबरिंग करने के बाद ही आपको ग्रिड का ग्रिड वाइज इसमें क्वांटिटी बॉन्डेड क्वांटिटी बॉन्डेड वॉल्यूम कुछ भी बोलेंगे वो निकलना चालू करना है। तो सारे के में आपको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा, आपको लगभग 15-20 मिनट लग सकता है आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर ज़्यादा इसमें ज़्यादा है, मेरा 35 ग्रेड था तो मुझे 5-7 मिनट लगा होगा, 20 मिनट लगा होगा, और आपको इससे ज़्यादा होगा तो आपको आधा घंटा लग सकता है। तो एक ही करके मैं कर लेता हूँ। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका मेरा वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लगभग सारा हो गया, लास्ट का 35 नंबर शो हो गया, यहाँ तक मैं पूरा बाउंडेड एरिया का वॉल्यूम मैं निकल लिया अलग से। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जब रिपोर्ट जनरेट करेंगे, देखिएगा यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करता हूँ तो रिपोर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, जो आ रहा है यहाँ पर सारे अनचेक है, तो सारे जितना भी अनचेक है सारे को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर टिक मार्क लगाना है तभी इस पर वहाँ पर जिस टाइम मैं इसका रिपोर्ट जनरेट करेंगे उस टाइम रिपोर्ट में वो वाला ग्रिड उसमें जाएगा, जो ग्रिड इसमें मिस हो जाएगा तो ग्रिड का वहाँ पे क्वांटिटी उसमें शो नहीं होगा अपना रिपोर्ट पे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे आप सबसे जितना भी ग्रिड है सबको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, चेक मार्क दे देता हूँ, हो गया जितना सारा चेक मार्क दे दिया। अभी देखिए इसके बाद अगर मैं यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, लास्ट में सेकेंड वाला ऑप्शन है, इसमें कुछ कुछ जगह काटिंग है, फ्लेक्सिबल जगह फिलिंग भी है, और ये लास्ट का 35 नंबर तक हो गया। ओके उसके बाद मैं यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। देखिए इसके बाद रिपोर्ट आप देखेंगे ना, कंट्रोल और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, और राइट क्लिक कर कंट्रोल प्लस सी कर लेंगे, उसके बाद कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद मेरा जो रिपोर्ट वाला यहाँ पर सीट है यहाँ पर आके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सेल में आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से जो कॉपी करके लेते आया जितना भी अपना क्वान्टिटी वाला ये फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये नंबरिंग में नहीं है, तो ये एक्चुअली फुल टेक्स्ट आकार में आ गया, तो उस टाइम क्या होगा इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करेंगे जितना भी क्वांटिटी आया कटिंग फिलिंग का, वो सिलेक्ट करने के बाद रिफ्रेश में जाएंगे। रिफ्रेश में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसके आगे पीछे कुछ स्पेस टाइप का कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे और एम्प्टी से रिप्लेस कर देंगे, ओके करेंगे तो ये क्या है फिर से टेक्स्ट फॉर्मेट पे आ गया। उसके बाद देखिए किसी की इसको भी हम एक बार जो वहाँ का एरो रहेगा ग्रेटर देन वाला जो सिंबल है उससे हम इसको जो कॉलम होगा उसका डिवाइड करेंगे, तो उसको कॉपी करके इसको कॉलम को हम डिवाइड कर सकते हो सेम प्रोसेस पे, जैसे कॉलम को ऑल्ट ए ई एन कमांड देके करते हैं उसी से आप यहाँ से कट फील को अलग कर सकते हो। फिर यहाँ से मैं इसको जो भी अपना रिपोर्ट नहीं है उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे साम करना पड़ेगा जितना यहाँ पे बाउंडेड एरिया का कटिंग आ रहा है टोटल में, यहाँ पे कट इन क्यूबिक मीटर जितना आएगा सेम यहाँ पे ऊपर जो टोटल एरिया में जितना होगा और बैलेंस एरिया में उतना ही होना चाहिए, इसको एक बार आपको ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि आपका अगर क्लिक होने के टाइम कुछ जगह में मिस हो सकता है कुछ जगह में नहीं हो सकता, तो उसको फिर से एक बार करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैं पहले बनाया था इसको देख लीजिए, यहाँ पे 100 जो स्क्वायर मीटर एरिया दिखा रहा है वो क्या है 10x10 का ग्रिड है, तो 10x10 100 है, उसका कट कितना है फिल कितना है
यहाँ पे शो हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी सिविल थ्री रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पे। बाय बाय।